नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लास में आपनो हार्दिक स्वागत छे। तो आपणे पद्य नंबर एक अने गद्य नंबर बे नो अभ्यास कर्यो, हवे आजे आपणे गद्य नंबर त्रण नो अभ्यास करीशुं। तो एमां आपणे समाज में व्याप्त जो झूठ, तस्करी, फरेब, धोखा आदि जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों को दूर करने के लिए हमें आयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो मनुष्य के बजाय हम यही जो दोष है, दोष निकालने के लिए हर हमेश अनवरत आयास करने की, प्रयत्न करने की ज़रूरत है। तो आज हम एक ऐसा निबंध पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। उन निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि हमें निराश होने की कोई ज़रूरत है, हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एक आशावान मानव बनना चाहिए। जब मनुष्य आशावान बनेगा, आस्थावादी बनेगा, तब लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगा। तो कवि कहते हैं कि हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे समाज में जो बाहरी अनाचार दिखाई देते हैं, उन अनाचार को, समाज में व्याप्त झूठ को, मानव मूल्यों के प्रति हमें कायम आस्थावान बने रहना चाहिए। देखिए, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। लेखक कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना यानी कि निराश हो जाना, मन बैठ जाना यानी कि मुहावरा है, निराश हो जाना, उदास हो जाना मुहावरे का अर्थ, वाक्य प्रयोग। जब मैंने उचित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया तो मेरा मन बैठ गया, वाक्य प्रयोग। तो लेखक कहते हैं कि यही अनाचार, व्यभिचार, जो बेईमानी, यही सभी देखकर मैं उदास हो जाता हूँ, मैं निराश हो जाता हूँ। समाचार पत्र में ठगी, ठगना, डकैती यानी कि लूटफाट करना, चोरी, तस्करी, चोरी करना और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। भ्रष्टाचार जब कानून के तहत, वास्तव के तहत अधिक ज़्यादा पैसा लेना, लाच लेना, लाच रुश्वत, उसे कहते हैं भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार शब्द का विरुद्धार्थी होता है शिष्टाचार। भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो आज आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने आरोप करता है, प्रत्यारोप करता है कि यही मैंने गलती नहीं की है, यही गलती तो तुमने की है। और दूसरा कहता है कि यही गलती मैंने नहीं कहती है, नहीं की है। ऐसा आरोप प्रत्यारोप का वातावरण, माहौल बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया, कि पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में सभी बेईमान लोग इधर उधर भटक रहे हैं, ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। ईमानदार यानी कि जब ईमानदारी से अपनी आजीविका, अपना जीवन निर्वाह चलाने वाला ईमानदार, तो वही ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। ईमानदार शब्द का विरोधार्थ होता है बेईमान। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, हर व्यक्ति, हर मनुष्य संदेह की, संदेह यानी कि शंका, संदेह शब्द का समानार्थी होता है शंका, दृष्टि से, निगाहों से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद हैं, ऊंचे पद पर हैं, पदवी पर हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देने लगते हैं। जो व्यक्ति ऊंचे पद पर हैं तो उन व्यक्ति में दोष अधिक दिखाई देने लगते हैं। दोष यानी कि वह दोषी, कलंक, कलंकित है। काका कृष्ण पिक कृष्ण को भिद काका पिकयो हो, वसंत समय काका काका पिक पिक,
एक संस्कृत कवि ने कहा है कि काका कृष्ण जब काक यानी कि कौवा काला है, कोयल भी काली है, तो कौवे और कोयल में क्यों भेद, क्या तफावत, किंतु वसंत ऋतु का जब आगमन होता है तब क्या कौन कौवा है कौन कोयल, उसी का जब पहचान होती है तो यही बुरे लोगों की, दोषी लोगों की, अपराधी लोगों की पहचान भी होती है। कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, लेखक कहते हैं कि इस समय वही सुखी है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें दोष खोजने लगेंगे। एक महान मनीषी पंडित ने कहा है कि उन समय वर्तमान समय में वह व्यक्ति सुखी है जो कुछ भी नहीं करता, जो कार्य करेगा तो लोग दोष खोजने लगेंगे, दोष ढूंढने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, उस व्यक्ति के अंदर छिपे हुए सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाना लगेगा कि वही दोषी हैं, उन्होंने दोष किया है, उसमें बुराई है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, उन बड़े लोगों की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे शंकाशील बुरा मनुष्य, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसे बुरे मनुष्य दोष खोजने लगेंगे और दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। दोष किसमें नहीं होते, कौन व्यक्ति निर्दोष है, तो दोष तो सभी में एक एक तो दोष खोज होने लगते हैं। और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि स्थिति अगर माहौल ऐसा बन गया है कि ऐसे वर्तमान समय में निश्चय चिंता करने की हमें जरूरत है। हमें बुरे लोगों की जब कबीर कहते हैं कि बुरे लोगों को देखने के लिए मैं चला, बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जब हृदय खोला आपका मुझसे बुरा ना कोई, जब बुरा देखने के लिए कि मैं अच्छा इंसान हूँ, बुरा इंसान देखने के लिए कबीर इधर उधर भटकते हैं, तो बुरा ना मिला कोई, बुरा व्यक्ति कबीर को नहीं मिला, दिल खोला जब आपका मुझसे बुरा ना कोई, कबीर को लगा कि मेरे जैसा बुरा लोग, बुरा कोई मनुष्य नहीं है। तो हमें आप स्वयं आपसे समझने की ज़रूरत है कि आप क्या जो कार्य कर रहे हैं लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं, यानी कि आप अच्छे अच्छाई के लिए आप अच्छे लोग हैं या बुरे लोग, यही पहचान खुद को करनी चाहिए। खुद को निज को तू पहचान, ये मनुष्य तेरी छाती में छिपा काल, ये मनुष्य तू महान है, बड़ा महान है। और उसमें जब दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाना लगता है कि यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं, स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय चिंता का विषय है। अगर स्थिति ऐसी है तो हमें चिंता करने की जरूरत है। आगे लेखक कहते कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था, क्या यही भारतवर्ष है, हमारा भारत है महान संस्कृत सभ्य भारत, तो हमारा ऐसा भारत हिंदुस्तान है कि जिसका सपना मदन मोहन मालवीय और बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था, नहीं यही भारतवर्ष नहीं है। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य धन्यम जीवंती दे न रहा, ये प्रशसंति संस्कृति, ये प्रशसंति च स्वदेशम स्वदेशम, जिन लोग अपने देश की अपनी संस्कृति की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो इन लोगों को धन्यवाद हैं। तो वही हमारा भारतवर्ष, जब महान मनीषियों ने, महान महान पुरुषों ने जो सपना देखा था, तो वही हमारा भारतवर्ष है कि
हमारा भारतवर्ष एक किसी अतीत के गह्वर में डूब गया क्या? किसी अतीत यानी कि भूतकाल, अतीत शब्द का समानार्थी होता है भूतकाल और अतीत शब्द का विरोधार्थी होता है वर्तमान। तो यही हमारा भारत है, किसी भूतकाल की गह्वर, गह्वर यानी कि गुफा, गुफा में डूब गया क्या? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख गया है? तो हमारा भारत एकता में अनेकता, जब हम सभी मनुष्य ना कोई जात ना कोई पात, सभी एक मिलजुल कर रहते, विश्व बंधुत्व की भावना हम साकार करते हैं, तो कहाँ गया हमारा विश्व बंधुत्व, कहाँ गई हमारी मित्रता सौहार्दता हिंदू मुसलमान सिख ईसाई द्रविड़, तो हमारे ये आदर्श कहाँ गए? तो कवि और लेखक कहते हैं कि ऐसा भारतवर्ष एक आदर्शों की भूमि है, मिलन भूमि, मिलन की भूमि का महामानव समुद्र सूख गया है। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारे महान मनीषी, मनीषी यानी कि मेधावी पंडित, जो हमारे महान मनीषी महान मेधावियों के एक स्वप्न था कि महान भारत का स्वप्न है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ऐसे दिनों में ऐसा माहौल यानी कि परिस्थिति, ऐसा वातावरण बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले नेरी और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपनी सच्चाई से जब आजीविका मेहनत करता है और मेहनत करके अपनी आजीविका जीवन गुजर जीवन गुजरान चलाने वाले जो निरीह व्यक्ति हैं, निरी यानी कि निर्दोष, निर्दोष व्यक्ति भोले भाले जो श्रमजीवी हैं, श्रमजीवी उसे कहते हैं कि श्रम करके आजीविका चलाने वाला, तो उस श्रमजीवी आज पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलता है सच के बजाय झूठ, सत्यम धर्मस्य जीवनम सत्यम दिवस्य च रूपम सत्यम धर्मस्य च रूपम सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, कवि ने कहा है कि सत्य एक ऐसा रूप है कि सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब सत्य में छिपा हुआ है। तो ऐसे लोग सत्य के बजाय झूठ बोलते हैं, फरेब यानी कि धोखा, तो ऐसे लोगों को पाला जाता है, तो ऐसा नहीं करने की जरूरत है। झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले लोग आज फल फूल रहे हैं। फलना फूलना मुहावरे कर देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, समृद्ध होना विकसित होना, तो ऐसे ऐसे लोग झूठ तथा फरेब का बेईमानी का आचरण करने वाले लोग आज विकसित हो रहे हैं, फलने फूलने रहे, समृद्ध हो रहे हैं। तो क्या हो गया? ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगता है। जब व्यक्ति ईमानदारी है, ईमानदारी से आजीविका चलाता है, तो वही तो एक मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। जब दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, जब व्यक्ति दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। व्यक्ति दुख आने पर ईश्वर को याद करता है, ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर की आराधना करता है, तो ऐसे हम सुख में भी ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को कवि यही सीख देते हैं कि हमें ईश्वर पर भरोसा, हमें आस्थावान बनना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। जो व्यक्ति सच्चाई सच बोलने वाला, सच्चाई शब्द का विरोधार्थी होता है बुराई, तो सच्चाई केवल भीरू लाचार बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है,
ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिल गई है। जीवन के महान मूल्य हैं, नैतिक मूल्य, वैचारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, श्रद्धाएं हिल गई हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो व्यक्ति श्रद्धावान है, आस्थावान है, वही ज्ञान प्राप्त करता है। तो ऐसी आस्था रखता है मनुष्य तो उनकी आस्था हिल गई है ईश्वर के प्रति, देव के प्रति और अपने आदर्शों के प्रति, नैतिक मूल्यों के प्रति जो आस्था हिल गई है, तो ऐसी आस्था को मजबूत गठित करने के लिए, स्थिर करने के लिए हमें ऐसी परिस्थिति को सुधार पर लानी है। परंतु ऊपर ऊपर से जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है, मनुष्य द्वारा बनाई हुई मनुष्य निर्मित शब्द समूह के लिए एक ही शब्द मनुष्य निर्मित यानी कि मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई नीति, हमारी जो रीति हैं उन नीतियों की त्रुटि यानी कि गलती कमी, जब मनुष्य गलती करता है, कमी करता है, त्रुटि उन कमियों की देन है, देन यानी कि भेंट सौगात, तो उन मनुष्यों की गलतियों की देन हमने यानी कि हमारे जीवन में भुगतने पड़ती हैं, तब ऐसे मनुष्य को दूर करने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण खड़ा करना चाहिए। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, हमारी बुद्धि है नई परिस्थिति, नई माहौल को सामना करने के लिए एक समाज सामाजिक तौर पर नए रीति रिवाज निधि और निषेध और विधि को बनाती है। मनुष्य के द्वारा बनाई हुई रीति उसे कहते हैं विधि निषेध, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदल दी जाती हैं। जब मनुष्य को उन रीति को जब सामाजिक तौर पर अच्छी तरह से नहीं चल पाती तो उन रीति निषेध को बदल दी जाती हैं। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सूखकर नहीं होते। लेखक कहते कि नियम कानून सबके लिए बनाते हैं किंतु सभी के लिए नियम एक सूखकर नहीं होते, तो हमें ऐसे नियम के बजाय सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। हमारे युग युग से परीक्षित आदर्श आदर्शों से टकराते हैं, हिलोरो लेते हैं, उनकी कसौटी होती है, परीक्षित यानी कि कसौटी पर खरा उतरना, तो मनुष्य इससे ऊपरी सतह आलोड़ित होती है और इनसे जब आदर्श टकराते हैं तो जब सत्य की आदर्शों की जब सतह होती है, सतह आलोड़ित होती है, हिलोरे लेती हैं, पहले भी हुआ है आगे भी होगा, उससे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। लेखक कहते हैं कि पहले भी ऐसा हुआ है, मध्यकाल में, जब आदि काल में, महाभारत काल में और रामायण काल में, सभी काल में, वैदिक काल में भी ऐसा हुआ है, तो हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आस्थावान बनकर कार्य करना चाहिए। और कभी कहते हैं कि जब भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है, हमारा भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं को संग्रह करना बहुत अधिक महत्व, भौतिक वस्तु को संग्रह करना बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक यानी कि बाहरी भोग अपने मनुष्य के द्वारा बनाई हुई उसे कहते हैं भौतिक, उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। मनुष्य के भीतर एक आंतरिक तत्व, अंदर से जो तत्व बैठा हुआ है आत्मा तत्व, वही आत्मा तत्व स्थिर है, स्थिर है, अलग है,
चरम और परम है, श्रेष्ठ और परम भी है। तो मनुष्य के बीच लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य के मन में विद्यमान रहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हमारे मन में कौन से विकार विद्यमान रहते हैं, तो मनुष्य लोभ मोह मद मत्सर आदि जो विकार हैं, आदि विकार मनुष्य के मन में विद्यमान रहते हैं, मौजूद रहते हैं। तो उन विकारों को दूर करने के लिए हमें जो आंतरिक तत्व हैं, यानी कि आत्म तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, तो वही चरम है, श्रेष्ठ है। तो उन आत्म तत्व को हमें अडक करने के लिए हमारे विचार वृद्धि करनी चाहिए। तो उनमें जो व्यक्ति के बीच विकार पैदा हुआ है, जो कलंक है, उन विकार को दूर करने के लिए स्वाभाविक रूप से हमारे मन में वही विकार है विद्यमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, मौजूद रहते हैं। तो इन्हीं को दूर करने के लिए हमें प्रधान शक्ति मान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन के विचारों पर मन को बुद्धि को इन्हीं के इशारे छोड़ देना, यानी कि मन कहता है वैसा करो, मन के इशारे अपनी बुद्धि को छोड़ देना, तो ऐसा निकृष्ट आचरण भी होगा। निकृष्ट यानी कि बुरा आचरण, बुरा आचरण करने वाला उसे कहते हैं निकृष्ट। और निकृष्ट शब्द का विरोधार्थी होता है अधम। निकृष्ट आचरण भी होगा और उन निकृष्ट यानी कि अधम, निकृष्ट शब्द का समानार्थी होता है अधम। तो ऐसे अधम नीच आचरण को दूर करने के लिए हमें एक उत्कृष्ट आचरण की ज़रूरत है। और भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है, और हमारी बुद्धि को इन्हीं के इशारे छोड़ देना वही उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, सदा हमेशा अनवरत कायम संयम यानी कि नियंत्रण, नियंत्रण के बंधन से बंध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति भूखा है तो उन भूखे व्यक्ति के लिए खुराक की उपेक्षा नहीं की जाती, उपेक्षा यानी कि अवगणना। जो व्यक्ति बीमार है तो बीमार व्यक्ति के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, उन उपेक्षा यानी कि उदासीनता अवगणना नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति गुमराह यानी कि रास्ता भूला हुआ, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए, गुमराह यानी कि भूला हुआ रास्ता। जो व्यक्ति रास्ता भूल गया है तो उन व्यक्ति के उन सही रास्ते पर सही पथ पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।